हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलजीत सिंह फ्रॉम हाईटेक ईसीएम पेड ट्रेनिंग सेंटर। तो आज हमारे बुक के अंदर सेकंड वीडियो है, दूसरी वीडियो है जो केम शाफ्ट सेंसर से रिलेटेड है। तो केम शाफ्ट सेंसर, इसकी लोकेशन क्या है? केम शाफ्ट सेंसर के नाम से ही पता चलता है कि ये केम शाफ्ट के नजदीक लगा हो सकता है। जैसे केम सेंसर केम शाफ्ट की पुली के पास फ्रंट में जिधर चेन और बेल्ट चलती है उस साइड, नंबर दो टैपर्ड कवर के ऊपर या आगे पीछे कहीं भी हो सकता है। इसकी लोकेशन में आप लोग देखोगे पढ़ोगे। तो अब इसकी वर्किंग क्या है? जैसे केम शाफ्ट के नाम से पता चलता है, केम शाफ्ट सेंसर केम शाफ्ट की पोजीशन को मेजर करता है। जैसे पिस्टन नंबर वन की पोजीशन को मेजर करना, एक नंबर पिस्टन कब टॉप पे आया, कब उसमें फायरिंग होने चाहिए फ्यूल की, इसकी इंफॉर्मेशन ईसीएम को केम सेंसर देता है। वर्किंग बहुत सिंपल है। केम शाफ्ट पोजीशन सेंसर ईसीएम को सिग्नल देता है कब पिस्टन नंबर वन टॉप पे आया, पिस्टन नंबर वन की पोजीशन को मेजर करता है। आगे इसके अंदर इस सेंसर के अंदर कितनी वायर्स होती हैं वो आपको दिखाया गया है, लेकिन उससे पहले बहुत सी कंपनी के अंदर इंजन जो है केम सेंसर सिग्नल के बाद गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। केम सेंसर के सिग्नल के बाद इंजन स्टार्ट नहीं होता। अगर केम शाफ्ट सेंसर सिग्नल का सिग्नल रॉन्ग हो, ईसीएम को रॉन्ग मिले तो इंजन स्टार्ट नहीं होता, लेकिन बहुत से इंजन स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे हमने देखा है रेनॉल्ट की, महिंद्रा की, बोरेटो वगैरह, इनके अंदर केम शाफ्ट सेंसर के सिग्नल के बगैर गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। वॉक्सवैगन की गाड़ियां, स्कोडा की गाड़ियां इंजन स्टार्ट हो जाते हैं, फोर्ड के इंजन स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है जी, और क्वाटर जेट इंजन ये स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन स्टार्टिंग लेट हो जाती है। अब आगे केम सेंसर टू वायर्स और थ्री वायर्स का हो सकता है, जैसे हमने अपनी ये बुक पे दिखाया गया है। टू वायर्स और थ्री वायर्स, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमें जो टेक्नीशियन है उनको ये वोल्टेज की आती है, वोल्टेज कितनी आती है। तो सेंसर्स के बारे में ये वीडियो बनाने का मतलब, एक तो जो पहले बिल्कुल भी प्लस टू जिन्होंने अभी पास किया है उनके कॉल्स आते हैं, सर हम ये काम आगे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो साथ में हम दे रहे हैं, क्योंकि जो पहले काम कर रहे हैं उनके लिए ये नॉर्मल है, लेकिन जो पहले अभी स्टार्ट पॉइंट पे कर रहे हैं उनके लिए बहुत जरूरी है। जो सेंसर टू वायर्स का है उसमें हम लोग देखते हैं 2.5 वोल्ट और 2.5 वोल्ट, ये ईसीएम के किसी ना किसी आईसी से इंटीग्रेटेड सर्किट से कनेक्ट होने के कारण दोनों पिनों पे आपको वोल्टेज मिलेगी। इसके अंदर 5 वोल्टेज और ग्राउंड ये भी मिलेगा आपको। तो इसके अंदर मैं पहले क्रैंक सेंसर में बता चुका हूं कि इसको आप बोलते हैं रेफरेंस वोल्टेज, ये बॉडी ग्राउंड। दो टू वायर्स के सेंसर में अगर एक ग्राउंड है और एक पॉजिटिव है तो सिग्नल किसमें ट्रेवल करेगा, जिसमें 5 वोल्टेज और 2.5 वोल्ट एक वायर में, जिस वायर में पॉजिटिव होगी सिग्नल उसी में सेंसर से इसी तक जाएगा, ठीक है। और दूसरा जो थ्री वायर के सेंसर है केम शाफ्ट सेंसर, तो उसके अंदर रेफरेंस वोल्टेज 12 वोल्ट और 5 वोल्टेज हो सकती है, ठीक है जी। ये कहां से आएगी? अगर 12 वोल्ट है तो सीधा वो फ्यूज बॉक्स या अदर सोर्स जो सीधा ईसीएम से कनेक्ट नहीं होता। सेकंड, जो 5 वोल्टेज है, 5 वोल्टेज हमेशा या 5 वोल्टेज से नीचे जो वोल्टेज है वो ईसीएम से ही आएगी रेफरेंस वोल्टेज, ओके। ये 5 वोल्टेज कहां से आ रही है? ईसीएम सेंसर को वोल्टेज देता है रेफरेंस वोल्टेज, ओके।
और सेकंड वो जो वायर है हमारी दूसरी वायर है इसमें 5 वोल्ट सिग्नल हो सकता है और 5-5 वोल्ट सिग्नल में फिर 5 होगा जो सिग्नल टू ECM सिग्नल वायर के अंदर 5 वोल्ट और तीसरी वायर है जो बॉडी ग्राउंड। तो ये हमारी तीनों वायर के ऊपर हम लोगों ने आपको बताया जो इसमें मैंने वोल्टेज आपको लिखवाई हुई है, तो इसको आप रीड करना और ये वीडियो देखना। इसके बाद इस सेंसर ये सेंसर इसमें मैंने एक रेजिस्टेंस दिखाई हुई है 850 ओम 10% हो सकता है इसके ऊपर टॉलरेंस, ठीक है। ये हम लोग आगे वीडियो में दिखाएंगे सेंसर चेकिंग के अंदर, ये आपको पॉइंट क्लियर हो जाएगा। इस सेंसर का जो एयर गैप है, एयर गैप क्या होता है मैं उसके बारे में आपको, ये मैं केम और सेंसर के अंदर कितना गैप होना चाहिए, ठीक है जी, दिखा रहा हूं। जैसे केम पुली, ये टीथ बने होते हैं केम पुली के ऊपर, एक भी हो सकता है या एक से ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। सेंसर और ये सेंसर और हमारी केम के टीथ के अंदर कितना गैप होना चाहिए, जिसको हम एयर गैप आगे भी दिखा होगा, तो ये कितना होना चाहिए 0.1 mm से लेकर 2.8 mm तक, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है कोई, इसमें इतना एयर गैप होना चाहिए, ठीक है। तो ये सेकंड पॉइंट था एयर गैप। आगे फॉल्ट, इस सेंसर में फॉल्ट आने से क्या होता है, मैंने यहाँ पे तीन लिखे हुए हैं। पहला है स्टार्टिंग लेट, जैसे वॉक्सवैगन स्कोडा और फोर्ड लोकल गाड़ी या ब्रेटो, इसमें स्टार्टिंग लेट हो जाएगी और स्टार्ट भी नहीं होगा इंजन, ठीक है। इंजन पहला है स्टार्ट नहीं होगा, दूसरा स्टार्टिंग लेट और तीसरा इंजन में मिसफायर हो सकता है, क्योंकि फ्यूल एंड एयर का मिक्सचर जितने भी सेंसर दिए हुए हैं उसमें एक कॉमन लाइन मैंने लिखी हुई है, एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर सेंसर के सिग्नल के बाद ECM सेंड करता है। जो एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर है वो ECM सेंसर जितने भी सेंसर है उससे सिग्नल लेने के बाद उसकी रेशो सेट करता है, ठीक है। उसके बाद जो हमें ध्यान रखने जोगे बातें हैं, जैसे सेंसर को नीचे नहीं करना चाहिए, सेंसर को खोलते या फिट करते समय उसके ऊपर किसी भी टूल के साथ चोट नहीं मारनी चाहिए, सेंसर को खोलते समय कनेक्टर की तारों को मत खींचो, उसको खींचोगे कहीं से टूट सकती है। फीमेल को कनेक्टर होता है उसके अंदर से वायर पीछे हो जाती है, उसके बाद स्कैनर में कोड आता रहेगा। ये हर सेंसर के बारे में नोट कर लीजिए, ये बहुत से टेक्नीशियन गलती करते हैं और बाद में इंजन ओवरहॉल करने के बाद एक दो कोड ऐसे आ जाते हैं जो क्लियर करने ही मुश्किल हो जाते हैं उनको, ये इसलिए मैंने इनको बार बार लिख रहा हूँ। और जो इसका एयर गैप है जो मैंने ऊपर दिखाया हुआ है 0.1 mm से लेकर 2.5 mm, सेंसर को आगे वाली साइड से जैसे मेरे पास सेंसर है इसको क्लीन करने लग जाते हैं, जो रिंगमार होता है उसके साथ कभी भी इसको क्लीन नहीं करना। तो ये थे हमारे केम सेंसर के, और आगे मैंने फॉल्ट लिखे हुए हैं जैसे P0341 केम शार्प सेंसर रॉन्ग सिग्नल, P0340 केम शार्प सेंसर नो सिग्नल, P0342 केम शार्प पोजीशन सेंसर A17 प्रो आगे सर्किट हाई। तो ये कोड थे, इनके ऊपर हम लोग आगे कैसे काम करना है आगे फॉल्ट इंस्पेक्शन में आपको क्लियर करेंगे। तो ये था हमारा केम सेंसर। ओके, थैंक यू।